फ्रेंड्स कैसे हैं आप? फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आप आईएएस की टीम के साथ, आप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आप आईएएस जो है आपके लिए इस बार ला गया है कि करंट अफेयर्स वीकली एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव, मेन, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैक्सिमम हम कवर करेंगे, सारे के सारे हम कवर करेंगे। और इसमें जो भी आपके रिलेवेंट होंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिहाज से, मतलब ये सीरीज़ बेसिकली ओरिएंटेड रहने वाली है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की ओर से। ये कंपाइल की गई है नवलनाथ सर के द्वारा और इसे प्रेजेंट कर रही है आप आईएएस की टीम। तो फ्रेंड्स आइए आज हम अपने और इनिशिएटिव के बारे में आपको बता दूं। डेली आंसर राइटिंग का हमारा इनिशिएटिव चल रहा है क्योंकि एन आंसर आ डे पेव्स वे फॉर मसूरी स्टे। बिल्कुल सही लाइन हमने लिखी हुई है। एक आंसर अगर आप रोज लिखेंगे तो आपका मसूरी जाने का रास्ता जो है वो ऐसा ना होकर सीधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको आप आइए सर्च करना होगा टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन की हम सीरीज चालू करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो स्टे अपडेटेड विद आप आइए, वी विल सून लॉन्च दिस सीरीज। तो इसके अलावा देखिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारे पास चल रही है दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण के रूप में, जिसमें हिंदी के जितने भी पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस सीरीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लीजिए क्योंकि मीन्स में कई क्वेश्चन जो है हमारी सीरीज से डायरेक्टली फंस रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन जितने भी इनिशिएटिव हमारे चल रहे हैं उन सभी को जो है आप बहुत गंभीरता से लेते हुए इनको पूरा फॉलो करें। तो इसके अलावा आइए आज की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि आंसर राइटिंग का हम शुरुआत कैसे करें, सर आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि हमारा इनिशिएटिव चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा आपके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखिए सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कर लेने हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इनको आप जगह जगह कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे पॉवर्टी आती है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोट करके पूछिए, बोलिए कि एसडीजी सेज दैट टू एलिमिनेट पॉवर्टी बाय 2027। तो इस तरीके से आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का यूज़ कीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का यूज़ कीजिए। जैसे केशवानंद भारती केस, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आए तो आप केशवानंद भारती केस कोट कर दीजिए कि इन दिस द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रीएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट नॉट वायलेटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझे? तो इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से करना है। नेशनल और इंटरनेशनल इंडेक्सेस, अब कहीं पे बात आ जाए कि इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें ईज ऑफ डूइंग की ओर हम जहां ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वहीं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी रैंक लगातार नीचे हो रही है। तो इंडेक्सेस आपको याद रखने हैं। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स अगर कोई आ रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई अगर रिपोर्ट्स हैं आपको ये याद रखनी है आंसर्स अच्छे लिखने के लिए, एआरसी की रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है, फेमस पर्सनैलिटीज़ का आप उदाहरण देते हुए कि इस कंडीशन में अगर जवाहरलाल नेहरू या कोई ग्रेट पर्सनैलिटी होती, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसी पर्सनैलिटी होती तो उनके थॉट्स की क्या रिलेवेंसी होती। तो फ्रेंड्स आपकी सुविधा के लिए मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको दिखा रहा हूँ, आप कृपया इनको याद करने की कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला गोल है एसडीजी नंबर 1 नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी पांचवा है, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए ये आपकी आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जब आंसर लिखें तो इस गोल को कर सकते हैं, आप पॉवर्टी से रिलेटेड जब आंसर लिखे तो ये लिख सकते हैं, माल न्यूट्रिशन से लिखे तो जीरो हंगर को आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एयर, ठीक है, डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन,
लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो देखिए ये सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको आपको याद करना है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए स्क्रीन पर एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, या फिर मैं ये पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहा हूँ, आप उस पे जाके ये पीडीएफ जो है इसे ये पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा देखते हैं आज का सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन है वो है मनमोहन जॉइंस द फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स टू करतारपुर साहिब। देखिए करतारपुर कॉरिडोर जो है वो काफ़ी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जो है ये क्या करता है, ये रोड लिंक है कहाँ से, गुरुद्वारा दादा डेरा बाबा नानक से जो कि गुरदासपुर इंडिया में है, और ये कहाँ तक जाता है, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको थोड़ी देर में मैप दिखा के आपको समझाऊंगा कि कैसा कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये पूरा कॉरिडोर जो है 6 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी जो स्थापना की थी वो 16वीं शताब्दी में जो है बैंक ऑफ रावी के किनारे जो है गुरु नानक देव ने की थी, जिन्होंने वहाँ करीब 18 साल अपने जीवन के बिताए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका हो जाता है। तो फर्स्ट सिख गुरु जो थे वो 1522 यानी कि कौन, गुरु नानक देव जी ने इसको जो है स्थापित किया था। यहाँ पे जो है सिख डिवोटीज जो थे कई समय से ये मांग कर रहे थे कि ये कॉरिडोर को जो है बनाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सबसे पहले इसको सजेस्ट किया था कि जो है आप यहाँ पे बीच में एक कॉरिडोर डेवलप करें, जब वो बस ट्रिप लाहौर पे गए थे 1999 में। मगर इसके बाद जो है तत्काल ही इसका रिजल्ट क्या निकला था वो सभी को पता है। पाकिस्तान हमेशा जो है आप सीधी तरीके से अगर उनको ऑफर करें तो टेररिज्म की तरीके से वो हमें मात देने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स अभी भी जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि आप जो है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को समझिए, कहीं ये टेररिज्म के लिए ना हो। तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स ये डेरा बाबा नानक श्राइन है यहाँ पर, ये भारत है, इसका एक्सटेंडेड मैप ये है। देखिए तो ये यहाँ पर से जो है दूरबीन लगाकर आप कहाँ के दर्शन करते थे, ये यहाँ पर करतारपुर के, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बाघा बॉर्डर जिस जो सबसे फेमस बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये रावी रिवर है, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर मैंने आपको बताया था। ये रहा करतारपुर का गुरुद्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बीच में एक कॉरिडोर डेवलप होना है दादा बाबा नानक साहेब और करतारपुर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आइए देखते हैं एनुअल गैंगेस रिवर डॉनफिल सेंसस बिगिंस। तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो है कोलाब्रेशन करके चेक किया गया है, डॉल्फिन का सेंसस शुरू किया गया है। अब देखिए इसको किसके जरिए किया गया, टाडम बोर्ड सर्वे मेथड। तो यह यूपीएससी का क्वेश्चन लगातार यूपीएससी पूछते रहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर IUCN। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, किसकी, IUCN रेड लिस्ट की। ये IUCN रेड लिस्ट क्या है इसके बारे में मैं एक वीडियो और बना दूंगा फ्रेंड्स। तो इसका कारण क्या क्या है, डंपिंग ऑफ SUP सिंगल यूज प्लास्टिक, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इसको पूरी तरीके से पुल आउट करने की जो है बात कही है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसका बड़ा मेजर कारण है, फिशिंग इसका बड़ा कारण है, ड्रेजिंग एक बड़ा कारण है। इसके अलावा क्या कारण है, देखिए जो बैरेजेस और डैम्स हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो है वाटर का जो है फ्लो रुक जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इनका फ्री मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो कि डॉल्फिन्स को हेल्प करती हैं कि वो मूव कर सके, और क्योंकि वो बाउंस बैक करती है, मगर इससे क्या होता है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से लेके वाराणसी तक बनने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो है शिप्स की जो है भरमार हो चुकी है, तो वो साउंड वेव्स जो है वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है डॉल्फिन्स का जो है जो पाथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके अलावा देखिए इनको जो क्या कहा जाता है, सुसु भी कहा जाता है। और ये देखिए विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी,
ये ओनली सेंचुरी है किसके लिए, डॉल्फिन्स ऑफ नेचुरल एक्वेटिक एनिमल के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। देखिए हाल ही में 370 एब्रोगेशन को लेके पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है काफ़ी वायलेंट रहा, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का उसे रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से जो है पाकिस्तान के इरादे जो है, जो मंसूबे पाकिस्तान के हम कह सकते हैं, वो विफल होते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स कश्मीर, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर इशू है, मगर ये कोई इशू नहीं है क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जो कि हर स्टेटमेंट में भारत को कहना पड़ता है। तो बॉर्डर और पीओके जो है वो सबसे बड़ा इशू हमारे लिए है, टेररिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, ट्रेड जो है पाकिस्तान के लिए इशू हो सकता है, पर हमारा जो है सरप्लस ट्रेड है पाकिस्तान की ओर से। तो इसके अलावा सार्क में इंडिया पाकिस्तान जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पोजिशन प्ले करते हैं। तो इसके अलावा देखिए दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, तालिबान और चाइना का इशू जो है, और ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर से मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा आपको बना पाया तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये है, ये गोल्डन क्रेसेंट वाला एरिया हो गया पाकिस्तान के आगे से अफगानिस्तान को लेकर के, ये पूरा जो है ये एरिया जो है ये गोल्डन क्रेसेंट कहलाता है, जहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। और गोल्डन ट्रायंगल भी है यहाँ पर भारत के ये जो साउथ साइड में है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि अभी ये इशू ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तालिबान चाइना का इशू है, ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है, एयर स्पेस जो है चाइना मतलब पाकिस्तान बार बार बंद करने की धमकियाँ देता है, कर भी देता है कई बारी, और हमने भी काफ़ी बारी पाकिस्तान के जो एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए हैं। तो कुलभूषण जाधव केस एक मेजर इशू है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स और क्या क्या है, तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड ये है कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर डायलॉग स्थापित हो, सॉफ्ट पावर के रूप में जो है आयुर्वेदा, बुद्धिज्म, क्रिकेट कल्चर, डायस्पोरा, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, ये सब चीज़ों को जो है हम प्रमोट करें। फूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स फूड, इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग, स्पाइसेस एटसेट्रा, गांधियन आइडियल्स, कॉलोनियल लिंकेज, इन सबको हमें प्रमोट करना है। बायलेटरल ट्रेड को हमें अच्छा करना है, रीजनल लेवल पार्टिसिपेशन हम करना कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की सोवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट करें, और प्रमोशन ऑफ पीस एंड नॉन इंटरफेरेंस अगर हम इसको प्रमोट करें, तो ये तो देखिए फ्रेंड्स हमारे DPSP में भी है कि हम इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने इस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को जो है अपने DPSP में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको जो है अच्छे से याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपके UPSC मेंस एग्जाम के लिए। अब देखिए ओडिशा ने जो है माओइस्ट हिट एरिया को जो है कनेक्ट करने के लिए जो है काम शुरू कर दिया है, जिसका नाम है जनसंकर संपर्क शिविर। इसमें गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान है कि डेवलपमेंट ऑफ स्वाभिमान आंचल, जो अभी तक कट ऑफ एरिया था मलकानगिरी का, उसको कनेक्ट करने की बात कही गई है। मलकानगिरी ये एरिया है जो कि अभी तक रिलेटिवली कट ऑफ था बाकी एरिया से, बट अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनको जो है कनेक्ट करने के लिए, देखिए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइस्ट एक्टिविज्म जो जितना माओइज्म के फैलने का कारण है, वो ये है कि वो कहते हैं कि वो वायलेंट थ्रो ऑफ ऑफ द स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डेवलपमेंट इस एरिया में अगर रोड बन रही होगी तो इसको बनने नहीं देंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप हमें राजा बनाइए। मीन्स राजा किसे बनाइए, राजा बनाइए प्रजा को, प्रजा जो है वो राज करेगी। प्रजा में मतलब कौन, जो माओइस्ट एक्टिविज्म फैला रहे हैं, माओइज्म जो फैला रहे हैं वो राज करेंगे, जनता का राज होगा और जनता जो है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो एक तरीके से आप वायलेंट ओवरथ्रो पे बिलीव करने वाली आइडियोलॉजी जो है वो माओइज्म नक्सलिज्म को दर्शाती है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है कैंप्स बनाए गए हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आधार, राशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इनके लिए आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बैंक, काउंसिल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कैंप, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पोर्ट्स किट, म्यूजिकल एंड लॉयल यूथ, जनसंपर्क शिविर जो है ये माओइस्ट प्रोपोगंडा फैलाने के लिए जो है। अब देखिए देखिए रेड कॉरिडोर की बात यहाँ पे की गई थी ऑथर के द्वारा। तो रेड कॉरिडोर क्या है समझिए, देखिए आसाम का जो एरिया है, आसाम जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो है अफेक्टेड है और मिलिट्री इंटरवेंशन यहाँ पे काफ़ी रहता है। वहीं मणिपुर का जो एरिया है वो माओइस्ट जो है लिंक बना रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से,
अब ये देखिए जो ब्लू कलर से मैंने दर्शाया हुआ है ये कौन सा एरिया है, जो ये न्यू मावेस्ट एक्सपेंशन का एरिया है। वही रेड कलर का जो एरिया है यानी कि ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है छत्तीसगढ़ झारखंड का जो कि सिविली जो है अफेक्टेड है, जिससे माविज्म और नेक्सलिज्म के उससे, इसी को जो है रेड कॉरिडोर बोलते हैं। इसके अलावा देखिए मॉडरेटरी जो है इन्फ्लुएंस्ड एरिया आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, कर्नाटका का कुछ एरिया है, तमिलनाडु का कुछ एरिया है। वहीं जो लीस्ट अफेक्टेड एरिया है उड़ीसा का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, तमिलनाडु का कुछ पार्ट, ये जो एरिया है ये रेड कॉरिडोर कहलाता है। अब इसके कारण क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय लोकल ट्राइब पीपल। देखिए कोई भी चीज़ का जो है सक्सेस और फेलियर कहाँ डिपेंड करता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। जैसा कि महात्मा गांधी भी कहते थे कि विदाउट मास पार्टिसिपेशन एनी प्रोग्राम कैन नॉट सक्सीड। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक लेवल पे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है जिसको हमें रिड्यूस करना है। बेसिक फैसिलिटी वहाँ एजुकेशन हेल्थ और फूड की नहीं है। गवर्नमेंट अप्रोच क्या है, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है फ्रेंड्स, वे फॉरवर्ड ये है डायलॉग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रिहैबिलिटेशन ऑफ रिसेटलमेंट, प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टॉप पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, रिमूव डिस्पैरिटी, और देखिए वेलफेयर ट्राइबल का अगर होगा मॉडर्नाइजेशन। यानी कि देखिए हमें रूट कॉजेज को जो है एड्रेस करना है। रूट कॉजेज को एड्रेस कैसे करेंगे, रूट कॉजेज को हम ऐसे एड्रेस करेंगे कि जो रिलेटिवली डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे कि आपको जो है इफ़ यू वांट टू सी द सक्सेस ऑफ पॉलिसी कीप फॉर्मुलेट द पॉलिसी कीपिंग इन द माइंड द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसको देख के अगर नीतियाँ बने तो नीतियाँ जरूर सक्षम होती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। पसंद क्या मतलब, ये अभी आपके मेंस के जो है आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब देखिए सेंटर के हेल्प जो है ऑनियन प्राइसेस को जो कंट्रोल करने में वो क्या है, देखिए ऑनियन जो है वो लगातार सरकार गिरा भी देता है और बना भी देता है। देश में जो है प्याज के दाम जो है, आपको मैं आगे उदाहरण से बताऊंगा, प्याज के दाम जो है इंडिया बीइंग एन एग्रेनियन इकोनॉमी विच इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तो इसमें जो है ऑनियन के प्राइसेस का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की जो है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं जिससे ब्लैक मार्केटिंग जो है वो हाईएस्ट पीक लेवल पे है। इंडिया जो है ऑनियन के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मगर लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, चाइना बीइंग फर्स्ट और यूएसए जो है थर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स फेमस फॉर पंजेंसी एंड अवेलेबल अराउंड द ईयर, इसमें टू साइकिल होते हैं नवंबर टू जनवरी और जनवरी टू मई। और इसमें मेजर स्टेट्स कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इंडिया पेनिनसुला के जो पेनिनसुलर रीजन के जो स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो नदन प्लेन के स्टेट्स हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के जो स्टेट्स हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑनियन उगाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या था, देखिए 1989 में जब शार्प डिक्लाइन हुआ था तो चीफ मिनिस्टर मंडलन कुमारा ने जो है दिल्ली में जो है अपनी सीट गंवा दी थी। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 500 करोड़ का जो है इस्टेब्लिश किया है। गवर्नमेंट ने जो है प्राइस इसेंशियल कमोडिटी रेगुलेशन ECRA के अंतर्गत 1955 के अंतर्गत जो है इसको वो किया है। और इसके अलावा जो है MSP जो है 30 पर केजी जो है वो इसके लिए MSP डिसाइड की है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जो कि 30 किलो से ज़्यादा कम जो है वो आपका ऑनियन जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आंसर राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स। आरए चिपको मूवमेंट के बारे में अगला आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उन्हीं को हम कवर करेंगे पूरे हफ्ते की। देखिए बिरान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है 2702 ट्रीज जो है वो काटे जा रहे थे इन द रीजन आरए मिल्क कॉलोनी। ठीक है, तो आरए जो है वो काटे जा रहे हैं वो किसके लिए फेमस था, एक डेसिडियस स्ट्रेच जो है फॉरेस्ट का, संजय गांधी नेशनल पार्क का, उसके लिए फेमस था। अब देखिए चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट जो है गांधीयन वे ऑफ नॉन वायलेंस। प्री इंडिपेंडेंस में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा अपनी जो लाइफ थी वो
सेक्रीफाइस की गई थी खेजन ट्रीज को करने के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आपने सुंदरलाल बहुगुणा का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने गढ़वाल के रीजन में जो है इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए जो है चिपक गए थे पेड़ों से, उन्होंने काटने नहीं दिया था एक भी पेड़ों को। अब देखिए अगला आर्टिकल पे हम आ जाते हैं, PIL, PIL प्ली टू प्रोटेक्ट टेम्पल स्कल्पचर एंड आर्ट वर्क। तो ये देखिए 1983 से पहले जो था हर किसी को जुडिशरी की एक्सेस नहीं थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोकस स्टैंडाई को बदलने की जो है वो सोची और एक नया अप्रोच लाए कोर्ट के लिए। इसके अंतर्गत क्या था, इनोवेटिव जुडिशरी बनाई गई। इसके अंतर्गत लिटिगेशन इंट्रोड्यू कोर्ट में कोई भी व्यक्ति कर सकता था, कोर्ट अपने आप भी संज्ञान ले सकता था और प्राइवेट पार्टीज के आधार पर भी संज्ञान ले सकता था। पावर पब्लिक कोर्ट को दी गई थी कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाएं। अब देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, ये दो टर्म हैं जिनके ऊपर आपको सोचना है कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉडर व्यू दे देता हूँ। जब जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जब एक्टिव नहीं होते हैं, तो जुडिशरी जो है ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो बिहाफ में लॉज बनाने लगती है, जैसे कि सबरीमाला केस में गवर्नमेंट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जैसा कि LGBTQ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उसके आधार पे जो है लेजिस्लेटिव ने लॉ एनेक्ट किया था, इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देखिए प्रोसीजर आप PIL कोर्ट में कैसे फाइल कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि ये प्री मेंस दोनों में आ सकता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच कोर्ट फॉर केस अपॉन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय फाइलिंग अ पिटीशन। इसके अंतर्गत आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट में कर सकते हैं अंडर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC। अब CRPC और IPC में क्या डिफरेंस है, ये बहुत लोगों को वो रहता है, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा, डिफरेंस बिटवीन IPC एंड CRPC। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और दूसरी क्या है, इंडियन पिनल कोड। एक बेसिकली जो है आप जब अरेस्ट करते हैं उस टाइम आपको कैसे बिहेव करना है उसको डिफाइन करता है CRPC। वो डिफाइन करता है कि आपको क्रिमिनल वो होने के बाद उसके ऊपर क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं CRPC। अब देखिए इसके लिटिगेशन PIL के बेनिफिट्स क्या क्या है, एक नई रिजाइम ह्यूमन राइट की फंडामेंटल एक नई ह्यूमन राइट की रिजाइम बनाई गई, फंडामेंटल राइट्स की जो मीनिंग है उसको एक्सपेंड करके। इस प्रोसेस में क्या किया गया था कि स्पीडी ट्रायल जो है वो किया गया था, लीगल फ्री एड बाय एश्योरिंग द डिग्निटी फ्रेटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल और लाइवलीहुड एजुकेशन हाउसिंग एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पर्सन को जो है एज अ ह्यूमन राइट दिए गए थे। ये और क्या करती है फ्रेंड्स, ये ऐसा करती है इट्स डेमोक्रेटाइज द एक्सेस टू जस्टिस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जो भी स्पिरिटेड सिटीजन है और सोशल एक्शन ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर ऑप्रेस्ड क्लास उसे कोई नजर आती है, कोर्ट की अटेंशन जो है राइटिंग अ लेटर और सेंडिंग टेलीग्राम से, आप जो है एक लेटर लिखकर एक टेलीग्राम भेजकर भी कोर्ट का अटेंशन वहाँ पे ले सकते हैं। इसके मगर ड्रॉबैक क्या है, पब्लिक इट बिकेम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और जुडिशियल एक्टिविज्म इंक्रीज। अब देखिए हमारे बहुत से जो है ग्रेनविले ऑस्टिन नाम के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, अगर आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको पता चल गया होगा, उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज इमर्ज्ड इनटू अ लिटिगेशन कल्चर ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ PIL। आप देखेंगे कि ग्रेनविले ऑस्टिन और बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की इस बारे में क्या राय थी, आपको ये याद करना है। अब देखिए इंडियाज विष्णु नंदन अमंग 300 रिसर्चर्स टू ज्वाइन द लार्जेस्ट एवर आर्टिक एक्सपेडिशन। अब देखिए साइंटिस्ट 17 नेशन के जो हैं उन्होंने मोजेक मिशन जो है आर्टिक की ओर जो है एक्सपेडिशन के लिए वो चालू किया है। इसमें RV पोल्स्टन शिप का यूज किया गया है ताकि जो है आर्कटिक सी की आइस की जो है स्टडी कर सके, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। अब मोजेक क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। तो मोजेक के क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्वांटम लीप
in our understanding to the Arctic climate system by representation of global climate model. Ab Arctic region kaun kaun se hai? North Pole, countries of USA, Canada, Norway, Sweden और फिनलैंड रशिया. इंडिया और आर्कटिक का क्या रिलेशन है? हिमाद्री स्टेशन जो है इंडिया का फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, वो कहाँ लोकेट है? वो इट्सबर्ग में है, ठीक है, ये नॉर्वे में है. इसके अलावा इंडार्क जो है वो इंडिया का सेकंड ऑब्जर्वेटरी है. आर्कटिक काउंसिल जिसमें इंडिया, एक सेकेंड फ्रेंड्स थोड़ा सा, आर्कटिक काउंसिल जो है इंडिया और चाइना जो है इसमें ऑब्जर्वर कंट्री है आर्कटिक काउंसिल में. तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. इसके अलावा देखिए, यूनाइटेड नेशन जियोलॉजिकल सर्वे एस्टिमेट करता है 22% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कुड बी लोकेटेड बिन द आर्कटिक. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आर्कटिक की प्रॉब्लम्स को जो है और प्रोटेक्शन को जो है दूर करना वो बहुत ज़रूरी है. आज का आपका होमवर्क क्या है फ्रेंड्स, अगले हफ्ते के लिए इंडियन अंटार्कटिक मिशंस को आपको कवर करके आपको जो है पूरा इंडियन अंटार्कटिक मिशन जो है वो तैयार करने हैं. अब ये आज का शायद फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत से आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम शॉर्ट में कवर करेंगे. अब देखिए देखिए C40 समिट की ओर जो है सीएम को, दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उनको जो है क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली है. तो इसको लिए देखते हैं एड्रेस. सीएम इज टू एड्रेस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉन्च एयर क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन. तो इसमें जो है ब्रीफ डीपली करके जो है उन्होंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उस पर जो है बोल रहे हैं. इसके अलावा देखिए, ये होने वाला कहाँ है? ये कोपेंगन डेनमार्क में होने वाला है. C40 मेयर समिट ने जो है ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि जितने भी वर्ल्ड के जो है लोग जो है इस पे जो है बोल सके. सिटीज फ्रॉम इंडिया देट आर पार्ट ऑफ C40 एंड सिटी बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता, ये सभी जो हैं उसके पार्ट्स हैं. इसके अलावा देखिए, C40 क्या है फ्रेंड? C40 जो है 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, 96 मेंबर्स विथ 70 करोड़ पीपल, जो कि 1/4 हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के. इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज टू डिलीवर द अर्जेंट एसेंशियल क्लाइमेट एक्शन नीडेड टू सिक्योर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर अर्बन सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड. तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप इज कमिटेड टू डिलीवर द क्लाइमेट टारगेट सेट अंडर द 2016 पेरिस एग्रीमेंट. इसका जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ हैं? न्यूयॉर्क, USA, लंदन, UK में इसके ऑफिसेज हैं फ्रेंड्स. इसके अलावा देखिए, इंडिया जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो है 68 था, यानी कि एक रैंक पीछे हो गया, 10th रैंक पीछे हो गया. और सिंगापुर ने जो है USA को भी रिप्लेस कर दिया. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? UPSC ने लगातार क्वेश्चन पूछ किए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स. तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज करता है. इसके इंडिकेटर्स भी आपको मैं बताऊंगा, इसके अलावा कौन कौन से रैंक वो करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. सिंगापुर रिप्लेस्ड US एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे जो है रिलीज करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट कॉरपोरेशन का. ये इसलिए है कि इट इज़ कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाई engaging business, political, academic leaders of society to shape the global regional industry agendas. अब इसके अलावा देखिए, सम ऑफ द सिग्निफिकेंट रिपोर्ट, इसके अलावा कौन कौन सी पब्लिश होती हैं? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट. अब देखिए फ्रेंड्स, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसे मैं कह सकता हूँ वो है कि मोदी जी जिनपिंग की समिट. अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि इश्यूज चाइना और इंडिया के बीच में कहाँ कहाँ के हैं. ये देखिए, डिस्प्यूटेड एरिया को मैंने रेड कलर से डिफाइन किया हुआ है. देखिए, बहुत से लोग POK की जब बात करते हैं वो कौन सा एरिया कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पूरा एरिया जो है POK है. जी नहीं फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये POK है, जिसे हम गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया जो है, यहाँ पर जो एरिया है ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है.
मगर ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, ये अक्साई चीन का रीजन है, जिसे भी भारत कहते रहता है कि अक्साई चीन जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये वेस्टर्न सेक्टर का डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था इंडिया से वॉर के बाद। हम बार बार कहते हैं कि हम 65 के भारत नहीं, 1965 के भारत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए कि ये जो है अक्साई चीन जो है ये पाकिस्तान ने नहीं, ये चाइना का ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पर जो है कुछ टेरिटरीज ऐसी भी हैं जो ऑक्यूपाई तो चाइना के द्वारा की गई थी, और इनको जो है किसको दे दिया गया था, चाइना को एज अ गिफ्ट पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया था। तो आप यही पाकिस्तान जब गिलगित बाल्टिस्तान में जब बात आती है कि किस तरीके से जो है RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में OBOR प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, जब चाइना जो है यहाँ बेल्ट वन BRI के अंतर्गत जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर यहाँ जब जो है चाइना बात करता है कि यहाँ पे जो हम अपना कॉरिडोर बनाएंगे, तो इंडिया को यही कि ये हमारी सोवरेनिटी का इंटीग्रल पार्ट है, तो हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। यहाँ पे के कुछ एरियाज जो है ये डिस्प्यूटेड है, और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसे चाइना बार बार अपना पार्ट बताता है। वहीं इंडिया ने जब तिब्बत की को जो है चाइना का पार्ट माना, तो अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अब जो है इंडिया का पार्ट मानने लगा है। तो इसके अलावा देखिए आज की इस आर्टिकल में कौन कौन से पॉइंट जो है डिस्कस होने वाले हैं। मामल्लपुरम जो है तमिलनाडु की, इसके आर्ट फॉर्म क्या है, और इस जो जी जिनपिंग की बैठक है इसमें फोकस एरिया क्या क्या रहने वाला है, रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिशिएट, ओपनिंग मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन कंपनीज एंड हवाई इन 5G ट्रायल्स, बाउंड्री डिस्प्यूट, मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन इन अफगानिस्तान एंड BCIM। अब देखिए हैंड इन हैंड क्या है फ्रेंड्स, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना के बीच में। अब ये देखिए जी जिनपिंग और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, चाहे मतलब ये नारियल पानी पीते हुए, मामल्लपुरम के टेम्पल्स आपको दिख रहे हैं। अब देखिए इंडो चाइना का जो ट्रेड है वो 9.9554 बिलियन है, जिसमें इंडिया के पास ट्रेड डेफिसिट है 53 बिलियन। ये सबसे बड़ा कंसर्न है किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, अब चाइनीज हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कथकली और भरतनाट्यम का जो है चाइना से जो है इंट्रिंसिक जुड़ाव रहा है, इसीलिए ये जो है आपके जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, ये ओरिजिनेट हुए थे पल्लवा डायनेस्टी से। पल्लव डायनेस्टी और चाइना के जो है लिंकेजेस बहुत फार फ्लंग टाइम से हैं, तो इसकी वजह से जो है मामल्लपुरम का एरिया जो है चुना गया, ताकि जो है चाइनीज को जो है एक जिसे हम कल्चरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम ग्रेड टू की डिप्लोमेसी या पैरा डिप्लोमेसी भी कहते हैं, उसके आधार पे जो है ये एरिया चुना गया। अब जान लेते हैं नोबल पीस प्राइज के बारे में, तो यह नॉर्वे नॉर्वे को मिला है पीस प्राइज। इसको किस एरिया में मिला है, लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। ये शुरुआत की गई थी एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्वीडन में। ठीक है, तो 2019 का पीस प्राइज जो है वो किसे मिला है, एबी अहमद को, जो कि इथोपिया का है के हैं, और जिनको किस पे मिला है, इरिटिया और उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए। मदर टेरेसा को इससे पहले ये प्राइस मिल सकता है, मिल चुका है, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में हाल ही में ये प्राइस मिला है। अब देखिए आपको ये एरिया जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं। देखिए गल्फ ऑफ अडान के नीचे का जो एरिया है, जुबिटी, इरिटिया, इथोपिया और सोमालिया, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखिए ये अफ्रीका है, इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये एरिया सी पायरेट्स और पायरेसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में इंडिया ने भी यहाँ पर एंटी पायरेसी के लिए जो है अपनी शिप्स भेजी थी। तो फ्रेंड्स आपके लिए आज के लिए जो है ये आर्टिकल्स काफ़ी थे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि करंट अफेयर MCQ की हमारी सीरीज चल रही है, लाइव मिंट, ये सभी इसके हम MCQ की सीरीज हम चला रहे हैं। इसके अलावा दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण और आप IAS कैसे बनेंगे, ये हमारी सीरीज हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल की हम सीरीज चालू करने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें यूट्यूब से आप IAS करके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आपको हम मिल जाएंगे IAS14 करके,
टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, क्योंकि आपको सारे मटेरियल आपको जो है हमसे मिलने वाले हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर 9994943600 पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ दिया जाएगा। और ईमेल हमारा है apias.help@gmail.com, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा फ्री इनिशिएटिव पहुँचाएँ, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ नहीं। मसूरी अब दूर नहीं, क्योंकि एन आंसर अ डे पेव सम वे फॉर मसूरी स्टे। तो तैयार रहिए, हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, हम करंट अफेयर डिस्कशन भी करेंगे, हम आपके लिए जो है वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।